हिंदी दिवस के अवसर पर दी मैग्नेट पब्लिक स्कूल में कहानी मंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों ने भाग लिया। कुल 41 प्रतियोगियों ने अपनी अपनी कहानी का मंचन किया। इसमें 9वीं वी उर्विन ने प्रथम स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान पर 9वीं वी की ही सिमरन तथा तृतीय स्थान पर 10वीं ए का आकर्षित रहा। दूसरी ओर कक्षा 6 से 8वीं तक नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों ने हिंदी भाषा पर एक से बढ़कर एक नारे रचे और लिखे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। छात्रों ने उनका स्वागत पुष्प गुलदस्ता देकर किया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य उसी अतिथि के रूप में मौजूद रहे, उन्हें भी पुष्प गुलदस्ता भेंट किया गया। विद्यालय के निदेशक अजीत सिंह चौहान भी इस मौके पर उपस्थित रहे। स्कूल की तरफ से इनको जो है वो पुरस्कार भी मिलेगा। और नीचे हमारी 6 से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें हमने हिंदी भाषा से संबंधित नारा लेखन प्रतियोगिता करवाई है। तो नीचे वो प्रतियोगिता हो रही है और ऊपर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कहानी मंचन हो रहा है। बात यह है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और बहुत सारे बच्चे आज इसमें जो आए हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार माइक के सामने आए हैं। मेरे पास 41 बच्चों की लिस्ट है, 41 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। कहानी सुनाना भी एक कला ही होती है, तो अपने अपने हिसाब से बच्चे कर ही रहे हैं। और इसमें केवल 9वीं और 10वीं की कक्षाएं जो हैं उन्हीं को हमने सम्मिलित किया है, यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के बीच में ही प्रतियोगिता हो रही है। तो आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, बच्चों को एक कहानी सुनाने की जो कला है उससे बच्चे परिचित हुए हैं और बच्चों में सही उच्चारण और किस बात को किस तरह से प्रस्तुत करना है ये भी बच्चों ने आज सीखा है। तो वैसे भी बच्चों को कहानी सुनना अच्छा ही लगता है।